श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, बनाने में कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में मजा क्या दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर, दर घुमाने में, मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने, मजा क्या आ दर घुमाने में, मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। वो बोले क्यों मेरे पीछे तू रोज रहता है, वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा रहे रोज रहता है, वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है, रोज रहता है पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रहता है, मैं बोला दूसरा कोई और बता दो जमाने में, मैं बोला दूसरा कोई और में। क्यों तेरे पीछे पड़ा हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे केवल तुम ही हो, ना तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट ना अल्टरनेट, बस तुम ही हो अपने, इसलिए मैं बोला दूसरा कोई बता दो जमाने, बोला दूसरा कोई और बता दो जमाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, करोड़ों है करूं मैं कृपा किस किस पर, वो बोले कि करोड़ों है करूं मैं कृपा किस किस पर, वो बोले कि करोड़ों है करूं मैं कृपा किस किस पर, कृपा किस किस पर करूं मैं कृपा किस किस पर कर...
करूं मैं कृपा किस किस पर। भक्त कहता है प्यारे यदि तुम्हारे पास भी ये प्रॉब्लम है कि करोड़ों हैं तुम्हारे पास, किस किस पर कृपा करूं, तो साफ कह दो ना, तो बता दो साफ ये हमको बचा कुछ नहीं खजाने। बता दो साफ ये मुझको बचा कुछ नहीं खजाने में। साफ कह दो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। आजकल तो जमाना है ना बैंक करप्ट का, तुम भी अर्जी दे दो भाई मैं दिवालिया हो गया, डिक्लेयर योर सेल्फ इंसॉल्वेंट। बता दो साफ ये मुझको बचा कुछ नहीं खजाने में। बता दो साफ ये मुझको बचा कुछ नहीं खजाने में। भक्त और भगवान का संवाद है। जब भक्त कहता है कि प्यारे अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो, तो ठाकुर भी जरा तन जाते हैं और कहते हैं, वो बोले होश में बोलो नहीं मैं रूठ जाऊंगा। वो बोले होश में बोलो नहीं मैं रूठ जाऊंगा। वो बोले होश में बोलो नहीं मैं रूठ जाऊंगा। वो बोले होश में बोलो नहीं मैं रूठ जाऊंगा। नहीं मैं रूठ जाऊंगा। नहीं मैं मैं बोला हो बड़े माहिर जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला हो बड़े माहिर जल्दी रूठ जाने में। ओ बड़े माहिर जल्दी रूठ जाने में। ठाकुर ने देखा कि बात बन नहीं रही, भक्तों में पर मेरे पर हावी हो रहा है, तो फिर बहाना लगा देते, नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने। बोले तो कहा मैंने, सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। प्यारे क्यों साधनाओं का बयां करके मुझे दूर करने की चेष्टा कर रहे हो। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने। सुना है रीझ जाते हो फकत दो आंसू बहाने में। गोपा
होगा। बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। ठाकुर ने देखा कि भाई ये तो आंसुओं की बात कर रहा है, फिर पलटने लगे सरकार, कहते मेरी मर्जी है तेरे आंसू पे मैं रीझू ना रीझू, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। भगत फिर इतरा जाता है, सब कुछ तुम ही हो क्या है? अरे हम भी तेरे अंश हैं, कोई जीरो तो नहीं, कोई शून्य तो नहीं, तेरे अंश है, कुछ अधिकार हमारा भी है। इसलिए भगत कह भी देता था। कुछ तो मेरी खुशियों का भी ऐ कन्हैया तुम्हें रहे ख्याल, कुछ तो मेरी खुशियों का ऐ कन्हैया तुम्हें रहे ख्याल। ये क्या हुआ कि हर बात में तेरी ही रजा चले, ये क्या हुआ कि हर बात में तेरी ही रजा चले। तुम त्रिभुवन पति हो, अखिल ब्रह्मांड नायक हो, सर जगत नियंता हो, तो अपनी मनमानी करोगे क्या? वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। भक्त कहता है प्यारे अगर तेरे मन में है अपनी ही मर्जी करने की तो ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, यदि अपने ही मर्जी की करनी है तो तुम्हें। मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहने में। मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहने में। सरकार यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो ये अपने जो टाइटल तुमने लगा रखे है ना, करुणा वरुणालय दयानिधि कृपा सिंधु दीन बंधु, इन टाइटलों को हटाओ, नहीं तो लगता है ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहने। बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहने में। भगवान को भी जब अपनी खुदाई पर चोट की भगत ने कि भाई परिवर्तन करो अपने नामों में, तब उनसे भी वो फिर वो भी थोड़े जरा लिबराइज हुए, पोलाइट हुए थे, कहते हैं देख तू मेरे दरबार में आके खड़ा है सामने, अगर मेरी दया नहीं होती तो तू यहाँ पहुंच सकता था क्या? क्या बात, भगत कहता था इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी तुमने, दरबार में ही तो बुलाया, मेरे सामने थोड़े आए हो, पर्दा क्यों है फिर बीच में जब बुला लिया तो। वो बोले करना दया होती तो जन राजेश क्यों होते। बोले करना दया होती राजेश ना होते, तो जन राजेश ना होते, तो जन राजेश ना होते। वो कहते तेरी क्या हस्ती होती, औकात होती अगर मेरी दया ना होती। भगत कहता है तो फिर करनी है तो पूरी बात करो ना, तो अधूरी क्यों करते। दरबार में बुला लिया तो फिर हर्ज क्या है जो मैं चाहता हूँ। मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में। मैं बोला हर्ज क्या क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में। मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में।
बड़ा हर्ज क्या क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में कहा प्रभु से बिगड़ता प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में मजा क्या क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में भगत की ये बात कि कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहानी में सरकार को भी लगा उनकी कुर्सी हिलना जाएगा इसलिए फुसलाते हो चुप रहे ज्यादा जोर से ना बोल क्या करूं ये बता धीरे धीरे बोल रहा हाँ। वैसे कलयुग में भगत कम आते हैं मांगने वालों की लाइन लगी हुई है, है? तू पहला बंदा है जो मेरी बात कर रहा है और तेने भी कभी मेरी डोंगी पीट दी तो जितने भी आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे इसे बोल तू चाहता क्या है भगत कहते हैं मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए ओ मेरे बांके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे बांके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी मोपे कृपा करो मेरे कुंज 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 बिहारी मोपे कृपा करो रमण बिहारी मोपे कृपा करो मेरे रमण बिहारी मोपे कृपा करो कृपा करो प्यारे 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 कृपा करो राधा वल्लभ मोपे कृपा करो राधा वल्लभ मोपे कृपा करो हे राधा दामोदर मोपे कृपा करो हे राधा दामोदर मोपे कृपा करो मेरे